करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। आजकल अपन खतरनाक मूड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। आज एमपी की मस्जिदों पर भगवा लहराया गया। आज एमपी की मस्जिदों पर हरा झंडा उतार कर वहां पर भगवा लहराया गया। और ये सब कुछ हुआ है शिवराज सिंह चौहान के राज्य में। ये वही शिवराज सिंह चौहान हैं जिन्होंने कहा था कि अगर उनके राज्य में कोई गलत करेगा तो उसको 10 फीट जमीन नीचे दफन कर दिया जाएगा। ये वही शिवराज सिंह चौहान हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले उज्जैन में जो दंगाई है, उपद्रवी हैं, जो कठमुल्ले हैं, उनके घरों को ध्वस्त कर दिया था। आज उसी शिवराज सिंह चौहान के राज्य में मस्जिदों से झंडे, हरे झंडे उतरवा लिए गए और वहां पर भगवा लहरा दिया गया। इस वीडियो को आपने देखा, जिस प्रकार से ये वीडियो अपने आप में सनसनीखेज वीडियो है। आजाद भारत में आज तक ऐसी वीडियो आपने नहीं देखी होगी कि किसी मस्जिद से हरे झंडे उतरवाए गए हों और वहां पर भगवा लहराया गया हो। ये वीडियो हर हिंदुस्तानी को देखना जरूरी है क्योंकि इस वीडियो को शेयर किया है सहला रशीद ने। ये वही सहला रशीद हैं जो CANRC के नाम पर दिल्ली में दंगे कराती हैं। ये वही सहला रशीद हैं जिन्होंने जेएनयू में भारत माता की बर्बादी के नारे लगाए, हिंदुत्व की बर्बादी के नारे लगाए। ये वही सहला रशीद हैं जो सेना का विरोध करती हैं। ये वही सहला रशीद हैं जो सेना को रेपिस्ट करते हैं। और ये वही सहला रशीद हैं जो इस वीडियो को शेयर कर रही हैं। अब जरा एक और पहलू समझिए। सहला रशीद ने इस वीडियो को शेयर किया। इस वीडियो में अभी तक तथ्यात्मक तरीके से ये नहीं हो पाया कि ये वीडियो कहाँ का है और क्या ये वीडियो सही है। लेकिन सहला रशीद वो वीडियो नहीं शेयर करती हैं कि जब एमपी के उज्जैन में राम भक्तों पर, हिंदुत्व संगठनों पर कुछ कठमुल्लों ने पत्थरबाजी की, जब वहां से राम भक्तों की रैली निकल रही थी, राम भक्त भगवा झंडा लेकर निकल रहे थे, उनके मुंह पर श्री राम के नारे वीडियो को सहला रशीद ने शेयर नहीं किया। लेकिन जब किसी मस्जिद से कोई हरा झंडा उतारा जाता है तो उस वीडियो को सहला रशीद बहुत तेजी के साथ शेयर करती हैं। दरअसल आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है ये एमपी का है। एमपी में एक मस्जिद से कुछ हिंदू संगठन के लोग हरा झंडा उतार रहे हैं और उसके बाद वहां पर भगवा लहरा रहे हैं। आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं पता चला। लेकिन हाँ, इस वीडियो को सहला रशीद ने जरूर ताबड़तोड़ तरीके से शेयर किया है। अब चला चलते हैं थोड़ा आजाद भारत, जब 1947 के भारत में चलते हैं कि उस समय भारत में मस्जिदों की संख्या क्या थी। आज मस्जिदों की बात होती है, आज जब किसी मस्जिद से झंडा उतार माफ कीजिएगा किसी मस्जिद से अगर हरा झंडा उतारा जाता है तो कुछ हिंदुओं के पेट में दर्द होता है। लेकिन जब किसी भगवा पर, किसी मंदिर को तोड़ा जाता है, किसी मंदिर या सनातन धर्म पर प्रहार किया जाता है, जब राम नाम पर सवाल खड़ा किया जाते हैं, जब राम सेतु पर सवाल खड़ा किया जाता है, जब राम का अस्तित्व मानने से इनकार कर दिया जाता है, तब कुछ ऐसे तथाकथित गद्दार हिंदुओं के पेट में दर्द नहीं होता। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो सनसनीखेज सच जो आज आजाद भारत में एक बहुसंख्यक हिंदू देश में हुआ है। 1947 में पूरे भारत में सिर्फ 600 मस्जिदें थी। ध्यान सुनिएगा, 1947 में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 600 मस्जिदें थी। आज 71 साल बाद यह युग है कि आज 2020 में पूरे भारत में मस्जिदों की संख्या 30 लाख है। जी हां साहब, ध्यान सुनिएगा, आज पूरे भारत में मस्जिदों की संख्या 30 लाख है। 600 से 30 लाख मस्जिदों की संख्या हो गई है। लेकिन किसी हिंदू के पेट में दर्द नहीं हो रहा है, सहला रशीद के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें से कई हजार, मतलब मैं बता दूं, कम से कम 3000 ऐसे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, जिसमें से
जिसमें से अयोध्या की मंदिर भी है, मथुरा की भी है, काशी की भी है, ऐसे कई ऐसे बड़ी बड़ी मंदिरें हैं जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। ये सिर्फ आज़ाद हिंदुस्तान में हुआ है। इतनी मस्जिदें आज हिंदुस्तान में हैं, 30 लाख मस्जिदें आज हिंदुस्तान में हैं, इतनी मस्जिदें आज पूरे मुल्क में नहीं है। या यूँ कहें अगर पूरे मुल्क के मुसलमानों को मिला लिया जाए, पूरे देश जितने भी इस देश में मुस्लिम मुल्क हैं अगर उनको भी मिला लिया जाए तब भी इतनी मस्जिदें नहीं पाई जाएंगी जितना अकेले हिंदुस्तान में हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हम पाकिस्तान में देखें, जो हमसे अलग हुआ, जो इस्लामिक कंट्री बना और धर्म के नाम पर ही वो हमसे अलग हुआ है, धर्म के नाम पर बंटवारा उसने किया, धर्म के नाम पर देश को 2 टुकड़े किए और खुद को इस्लामिक राष्ट्र बना लिया। और हमारे यहाँ के कुछ लोग, मैं नाम लेना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उस समय के जो राजनेताओं का, कि उन्होंने इस देश को सेकुलर बना दिया। आज पाकिस्तान में जितने मंदिर थे उन मंदिरों को तोड़ दिया गया और वहां पर मस्जिदें बना ली गई। लेकिन हिंदुस्तान में इसका उल्टा हुआ है, हिंदुस्तान में मंदिरों को तोड़कर यहां के मुसलमानों ने मस्जिद बना लिया और हम चुपचाप सहते रहे। आप यूं कहेंगे कि यह सब कुछ मुगल राज में हुआ, लेकिन आप गलत फहमी में हैं। मुगल राज में तो जो कुछ हुआ हुआ, वो तो तानाशाही सरकार थी ही, तानाशाही राज था ही, लेकिन आज़ाद भारत में भी ऐसा सब कुछ हुआ है। आज़ाद भारत में भी कई मंदिरों को तोड़ दिया गया, कश्मीर में लाखों कत्लेआम किए गए, कश्मीर में कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, कश्मीर में बहन बेटियों के आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया, बंगाल में हुआ, आसाम में हुआ, देश के हर कोने कोने में हुआ, वो ये सब हुआ हिंदुस्तान के आज़ाद भारत में। सैला रशीद की इस वीडियो ने जो शेयर किया है वो, मैं ये नहीं कहता कि सही ये गलत है, लेकिन हाँ, जो इससे पहले गलतियाँ कुछ कठमुल्लों ने किया है, कुछ देश के मुसलमानों ने किया है, उन गलतियों को सुधारा जा रहा है आज। अगर आप इस्लामिक धर्म के नाम पर आपने देश का बंटवारा किया तो उसके हिसाब से आप इस्लामिक राष्ट्र बने, उसके हिसाब से हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया, हिंदुस्तान आज भी बंटवारे पर खड़ा है। पहले अफगानिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान अलग हुआ, फिर बांग्लादेश अलग हुआ, और आज फिर से कश्मीर, आसाम, बंगाल को अलग करने की बात की जा रही है। और इन सारे राज्यों में सिर्फ और सिर्फ इस्लामिककरण किया जा रहा है, इस्लाम के नाम पर सिर्फ काटा जा रहा है। सैला रशीद की इस वीडियो को देखकर हम भी हैरान हैं, लेकिन सैला रशीद के उस कारनामों को मैं देखना चाहता हूं जो वो इस वीडियो को शेयर करती हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको वो भी वीडियो शेयर करना चाहिए जो उज्जैन में हुआ, जो एमपी में हुआ, जो कल एमपी में एक संत की हत्या हुई, जो पालघर में हत्या हुई संतों की, उस वीडियो को भी शेयर करना चाहिए, जो कश्मीर में काफ़ी हिंदू कश्मीर पंडित मारे गए उस वीडियो को भी शेयर करना चाहिए, जो एनआरसी सीए के नाम पर पूरे देश में दंगा फसाद हुआ, पूरे देश में कुछ कठमुल्लों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की, कई हिंदुओं को जलाया, दिल्ली में कई हिंदुओं को जलाया, उस वीडियो को भी सैला रशीद को शेयर करना चाहिए। आखिर क्यों नहीं करती हैं, क्या उनके हाथ कांपते हैं, क्या वो डरती हैं? अगर उनके हाथ नहीं कांपते हैं या नहीं डरती हैं तो उन्हें करना चाहिए। एक सेकुलर देश में सबका सम्मान है, सबका सम्मान है का मतलब ये नहीं कि आप किसी को अपमानित करो, किसी को दोष दो या किसी को बदनाम करो। इस वीडियो को शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को वो सिर्फ बदनाम करना चाहती हैं, उनको आतंकी करार देना चाहती हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और आप अपनी राय जरूर दें, और सैला रशीद को भिगो भिगो कर 2-4 जूते भी मारें। चलिए वीडियो को शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने द न्यूज ओशियन से क्या कहा किसान बिल को लेकर, जल्द देखिए द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और पूरा साक्षात्कार पढ़िए द न्यूज ओशियन मैगजीन में। कृषि सुधार बिल वापस ले सरकार, आप क्या कहेंगे इस पर?
नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है इन बिलों को वापस लेने की। MSP नहीं मिलेगी। हमारा मनसा स्पष्ट है कि MSP कभी भी बंद नहीं होगी। मैं तथाकथित कहूंगा, असल में पत्रकार नहीं कहूंगा और मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। बहुत सारे पत्रकार विभिन्न राजनीतिक दलों या विचारधारा से जुड़े होने के कारण प्राइवेट मंडियों पर टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, प्राइवेट मंडियों में कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं। अडानी और अंबानी को नरेंद्र मोदी सरकार फेवर कर रही है और चंद लोग वहां बैठ करके देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देशद्रोह कर जाते हैं, पता नहीं चलता। जो कार ग्रुप है वो कहता है कि चाइना का सहयोग लेकर के हम यहाँ पर 370 वापस लाएंगे।